अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा, उसका पार्ट फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। बेटा हमें यहाँ पे पता है, मैंने पहले भी बताया था, ये 3 प्लस अंडर रूट 3 है, ये 3 माइनस अंडर रूट 3 है। बेटा यहाँ पर जो हमारे पास एक जो फार्मूला यूज़ होना है, वो फार्मूला हमारे पास बेटा ये है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला है, बेटा इसको ए कह दो और ये आपके पास बी है, इसी तरह ये भी ए है और ये आपके पास बेटा ये बी आ रहा है। ठीक है बेटा, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास बेटा इसका आएगा बेटा ए प्लस बी, बेटा मैंने ये यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज़ लिख दिया, 3 माइनस अंडर रूट 3 बेटा ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब फार्मूला मैं अप्लाई करने लगाऊँ, ये किसकी इक्वल आ रहा है बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो बेटा मैंने पास ए किसके इक्वल है 3 के, तो 3 का स्केयर लिख दिया बेटा मैंने, माइनस अंडर रूट 3 का बेटा ये होल स्केयर आ गया। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, इसके स्केयर रूट से 3 का स्केयर किया तो 9 आता है, 9 माइनस 3 एंड द आंसर इज 6 है बेटा हमारे पास फाइनल आंसर इसका। ठीक है जी, फिर अब आगे हमारे पास फर्दर बेटा इसका सेकंड पार्ट है बेटा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे पहले हम आइडेंटिटी एक यूज़ कर लेते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये इसके इक्वल फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसका जब सोल्यूशन हम लेंगे बेटा, हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले वाला बेटा ab, तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, दोनों एज इट इज़ आ गया बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट बेटा क्या आ गया हमारे पास, 15 आ गया। तो बेटा 5 प्लस 3 है ये हमारे पास, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 5 प्लस 3 बेटा, 5 प्लस 3 बेटा हमारे पास कितना होता है हमें पता है, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, दिस इज़ द आंसर बेटा। बेटा हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है इसका, अगर हम इसको भी यहाँ पे एज़ यूजुअल देखें, फार्मूला हमारे पास बेटा वही है, ये ए है और 1 ओवर अंडर रूट 3 हमारे पास ये बी है, इसी तरह ये ए है और ये बी है। बेटा इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले फॉर्मूलेशन आएगी वो हमारे पास आएगी ए प्लस बी, ये फार्मूला बेटा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बेटा क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है बेटा, अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये अंडर रूट 2 हमारे पास क्या आ रहा है, ए है तो ये ए का स्केयर आ गया बेटा, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 का होल स्केयर बेटा। बेटा स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास बेटा 2 माइनस 1 ओवर 3। अब चूंकि ये हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम पॉसिबल है बेटा, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम के हमें डेफिनेशन पता है, कॉमन इनटू नॉन कॉमन, 3 एलसीएम आ गया हमारे पास बेटा, ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाके इस 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस 1 एज इट इज़ बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 6 माइनस 1 ओवर 3 एंड देन फाइनल आंसर हमारे पास बेटा क्या आ गया, 5 ओवर 3 बेटा, ये इसका आंसर है। बेटा ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, इसी तरह यहाँ ये हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा वो सेम फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बेटा इसका हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा बेटा अंडर रूट एक्स है इसका होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का बेटा ये होल स्क्वायर
बेटा ये दोनों टर्म्स आ गई, और आगे सेम हमारे पास बेटा एक्स प्लस वाई सेम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ये सेम आ गया बेटा, ये इसे कैंसिल हो गया। हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, मतलब फाइनल जो यहाँ पे आंसर है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा सेम ये भी वैसी ही है एज इट इज़, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है अगर हम इसको देखें, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अंडरस्टूड है ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया बेटा, और ये क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। और इसका फाइनल आंसर बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बेटा ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। बेटा ये क्या आ गया एक्स फोर माइनस वाई फोर, बेटा दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।